हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिलिपि में आने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आप शिलिपि के यूजर हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपने वीडियो की ओर। तो अगर आपका मशीन लेटेस्ट है और सारे के सारे लेटेस्ट मशीन जो कोई भी आप परचेस करेंगे वो सारे के सारे 64 बिट के ही आते हैं और ये प्रॉब्लम 64 बिट को ही आता है शिलिपि को। अगर आपका मशीन 64 बिट है और अगर आपका सॉफ्टवेयर भी 64 बिट है तब ये प्रॉब्लम आएगा। और ज्यादातर यूजर आप 64 बिट ही यूज करते हैं क्योंकि ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हम जाएंगे शिलिपि को। तो यहाँ पे आपको एक 64-bit ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसे अनेबल करेंगे तभी आप 64 मशीन के ऊपर 64-bit के सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर सकते हैं शिलिपि, अन्यथा नहीं। तो मैं शिलिपि को चालू कर देता हूँ और यहाँ पे शिलिपि को भी 64-bit को भी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइपिंग करूंगा। तो यहां तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अब मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करूं या फिर दूसरे किसी ऐप के ऊपर जाऊंगा और फिर से वापस शिलिपि को बंद करके चालू करूंगा, मेरा स्क्रोल लॉक बंद करके चालू करूंगा और फिर मैं आकर हिंदी मराठी या फिर कोई भी भाषा में टाइप करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा। तो देखते हम किस तरह से। तो मैं अभी स्क्रोल लॉक को बंद कर लेता हूँ। देखिए आपसे देखिए मैंने बंद कर दिया, चालू कर दिया और मैं किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ। मैं देखिए प्रीमियर प्रो में चला गया, फोटोशॉप में चला गया। तो यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ और कुछ देर के बाद मैं फिर जैसे ही वापस मेरे कोरल ड्रॉ में जाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, यही इसका प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले तो मैंने यहाँ पे स्क्रोल लॉक फिर से ओपन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रोल लॉक ओपन हो चुका है। तो मैं फिर से जाता हूँ अपने कोरल ड्रॉ में। तो मैं यही शब्द अब फिर से टाइप करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए तो देखिए कुछ भी आ रहा है यहाँ पे और मेरे शब्द नहीं आ रहे। और आप देखिए मेरा यहाँ पे शिलिपि भी ओपन है और 64-bit भी ऑन है, फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम शिलिपि में इनबिल्ट है। और जैसे आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे या फिर दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे और फिर से वापस आकर आप शिलिपि ओपन करने का प्रयास करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन मेरे पास है कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे शिलिपि में लेफ्ट क्लिक कीजिए, एग्जिट कीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट में जाके आपके शिलिपि के ऊपर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से एक बार आपको शिलिपि को चालू करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर से 64-bit ओपन करना पड़ेगा या फिर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपका जो फोन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे फिर से वही प्रॉब्लम आपको फिर से वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको शिलिपि को फोर्स करना पड़ेगा कि आप इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।